दिक्कत है? आदमी पे सोया के लोग काटे छे आ कैसे किया काटे छे की कहे छे ने लवा त लेन त जा। यहां का जो डीलर है वर्तमान में, क्या नाम है डीलर का? डीलर का नाम है गौरव पासवान, जो वार्ड नंबर 6 का है। उसका जो वातावरण है वह 5 किलो के अपेक्षा 4 किलो माल देता है और 4 रुपया प्रति दर से वह पैसा लेकर जाता है। वो योजना सरकार की ओर से तो चलती है, लेकिन जमीन तक जो है वो जितनी योजनाएं आती है उतनी योजनाओं में से 15-20% ही पहुंच पाता है। 80% जो योजनाओं का जो राशि है वो बीच में बंदरबांट हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद है मैसी प्रखंड कार्यालय में और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। समस्या क्या है बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम देसी अमानत जो न्यूज है उसको हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आपने जनता के जो जनहित का जो समस्या है उस समस्या को उठाने का काम किया है। इसके लिए हम हार्दिक दिल की गहराइयों से देसी अमानत न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये जो मामला है ये राजनपुर पंचायत का मामला है और राजनपुर पंचायत के अंतर्गत चोरनिया ग्राम है और बढ़रना ग्राम है। वहाँ से सैकड़ों लोग आज मैसी प्रखंड कार्यालय आए हैं और यहाँ पर आकर के अभी हम लोगों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन दिया है। इसके बाद हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को, सदर एसडीओ महोदय को और थाना अध्यक्ष महोदय को, इन सभी लोगों को जो है हम लोग आवेदन देने जा रहे हैं। सभी लोगों का एकमत में यह मांग है कि जो डीलर है वो डीलर मनमानी करता है। जो केंद्र की सरकार जो यह वादा करती है, जो यह दावा करती है कि हम घर घर मुफ्त में अनाज पहुंचा रहे हैं, तो आप अगर ज़मीन पर आइएगा, उस ज़मीन पर आकर के जब आप वस्तु स्थिति को देखिएगा, तो यहाँ सभी लोग एकमत में कहेंगे आपको कि 1 किलो अनाज के बदले में जो डीलर है वो 4 रुपया लेता है 1 किलो अनाज के बदले में। और 1 यूनिट जो अनाज है, जो 1 यूनिट अनाज में जो 5 किलो वजन होता है, उस वजन में 5 किलो नहीं बल्कि 4 किलो दिया जाता है। और अपने हक को मांगने के लिए जब वहाँ के लाभुक लोग अपना हक मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, तो डीलर हरिजन एक्ट में फंसा देने का वो बोलता है और धमकी देता है। तो हमारी यह मांग है जिला प्रशासन से, हमारी यह मांग है उक्त संबंधित सभी पदाधिकारी से कि उक्त डीलर पर, जो दोषी डीलर है उस पर जांच कीजिए और जांच करने के बाद कठोर कार्रवाई कीजिए, ताकि समाज में संदेश जाए कि सरकार चुस्त दुरुस्त है। नहीं तो ऐसे ऐसे डीलर सरकार को भी बदनाम करने का काम करते हैं और जो केंद्र की सरकार जो वादा करती है, जो दावा करती है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं, ये वादा उसका पूरी तरीके से झूठा वादा रहेगा और ये वादा जो है पूरा जनता इस बात से मरमाहित हो जाएगा। सीओ के बारे में क्या करें, जब जो ब्लॉक में जो सीओ रहते हैं कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत से ही डीलर मनमानी करते हैं। देखिए, प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदय, इनके बारे में हम क्या बोलेंगे, बस यही कहेंगे कि अंचलाधिकारी ही नहीं बल्कि हम समझते हैं कि कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस टेबल पर भ्रष्टाचार नहीं है, तो इसलिए उस पर विशेष नहीं कहना चाहते। जनता सब जानता है, पदाधिकारी सब जानता है। हम तो आग्रह करना चाहते हैं, चाहे वो भ्रष्ट जो भी पदाधिकारी हो, सिर्फ अंचलाधिकारी की बात नहीं करते बल्कि कर्मचारी से लेकर जो भी अधिकारी है, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे बताइए, क्या समस्या? विश्वनाथ प्रसाद यादव है, मैं ग्राम पंचायत राजनपुर के अंतर्गत वार्ड नंबर 8 का निवासी हूँ। बारम्बार यहाँ का जो डीलर है वर्तमान में, क्या नाम है डीलर का? डीलर का नाम है गौरव पासवान, जो वार्ड नंबर 6 का है। हम लोग को 2 वार्ड 8 और 9 का हुआ जन वितरण प्रणाली का वो है डीलर, उसको बारम्बार देख रहे हैं। जो हर हमेशा माल का कटौती जो हुआ परंपरा 6 महीना 5 महीना पर देते जाता है, लेकिन जो सरकार का इधर जो प्रावधान हुआ है 2023 से, यह सरकार के प्रावधान के विरोध, वो उसका जो वातावरण है वह 5 किलो के अपेक्षा 4 किलो माल देता है और 4 रुपया प्रति दर से वह पैसा लेकर जाता है। और जब उसके यहाँ कोई आम पब्लिक अगर मानने के लिए जाता है तो उसको इतना रफ भाषा में दारू पी करके वो हर मसाई करता है, जो भागो लेना है तो लो, हे तुमको हम कह रहे हैं 5 महीना, वो कहता है 3 महीना, हे रिसीविंग लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ। उस पर अगर कोई तरह का अगर आक्रोश वाली बात अगर किसी तरह से निकलता है, प्रेम से भी कहा जाता है, लेकिन उसको उल्टा ही रिएक्शन करके कहता है, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, मेरा गौरव पासवान मेरा नाम है, हरिजन है,
भी हरिजन एक्ट तो लगाएंगे और महिला से भी तुम लोग को केस करेंगे। और दूसरा बात, हम लोग जो अभी तक यहाँ पर आने के लिए कोशिश किए, इतना बारंबार धमकी दिया है और धमकी दे रहा है जो एक भी आदमी को नहीं छोड़ेंगे, सबको थाना घुसाएंगे, सबको जेल घुसाएंगे हमारे प्रति अगर तुम लोग आगाम बढ़ाते। जिसके चलते अभी तक बहुत आदमी आया है, 100 आदमी, और अब सभी आदमी डर से अभी तक घर में है। इसको शीघ्र अभिलंब जाँच किया जाए, सच्चाई को पता लगाते हुए उचित कार्रवाई की। और भी लोग उनसे भी जानने का प्रयास करें, क्या बताइए मामला। गौरव पासवान हमारे यहाँ का डीलर है, हम लोग वार्ड नंबर 8 के निवासी हूँ। 4 किलो, 1 किलो काट लेता है और 1 किलो में 4 रुपया लेता है, यही मामला है। और जब केंद्र सरकार मुफ्त में अनाज दे रहा है तो गौरव पासवान और वहाँ के कुछ बिचौलिया मिला के कम से कम साल भर से इस चीज़ को दाब के रखा है। और हम लोग का छठ पर्व अगले माह था, अगले साल, और उस साल से अब हम लोग माल लेने के लिए जो जानकारी हम लोगों के पास नहीं था, जो हम लोगों से 4 रुपया पैसा का असूली, बहुत ऐसे लाभुक हैं हमारे समाज के जो उनसे वसूली किया गया है। हम लोगों का मांग है कि वह वसूली जो रुपया लिया गया है वह रुपया भी वापस हो हमारे समाज के लोगों को। बहुत आदमी को मालूम नहीं है। और भी आदमी है, हमसे भी जानने का प्रयास करें, क्या बताइए। मेरा नाम रोशन कुमार। जो अनाज मुफ्त में दिया जाता है उसका जो है 4 रुपया किलो लिया जाता है माल का। एक यूनिट पर जो है एक किलो अनाज जो है कम करके देता है, और दिसंबर का माल जो है गबन कर दिया। यही मामला है। क्या ये समस्या जो लेकर आप आए हैं, क्या आपकी बात सीओ साहब, वीडियो साहब सुनेंगे? माल नहीं देता है, मनमानी करता है। 5 केजी में 4 केजी देता है, 1 केजी जो है वो रख लेता है, उस पर भी 4 रुपया प्रति किलो के दर से लेता है। और जब कहता है तो कहता है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ। हाँ, जो करने का होगा करेगा। गौरव पासवान डीलर जी है, वो जैसे से 4 रुपया किलो प्रति किलो के दर से ले छे, और एक यूनिट पर मतलब 1 किलो काटे छे। यदि ओकरा पर से कुछ और ज़्यादा बोले छे, कहे छे कि लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जो है मतलब बेसी इधर उधर करेगा, तो हमारे ऊपर जो पदाधिकारी है उसको क्या कुछ नहीं करेगा। यदि ज़्यादा बोलेगे तो मतलब हमारे रिजन एक्ट लगा देंगे। क्या पदाधिकारी को घूस मिलता है क्या? अब पता नहीं घूस मिलता है कि नहीं मिलता है, हमको तो पता ना है। मेरे जवान जी, आपसे एक लास्ट सवाल है, क्या ये जो मामला है ये हर एक पंचायत में ये? देखिए, सरकार के की जितनी भी सारी जनहित की योजनाएं हैं, वो योजनाएं जब सबसे पहले तो ये है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, सीओ हो, बीडीओ हो या कोई भी हो, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी करते हैं। ये सबसे पहले अगर खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं डीलर मनमानी नहीं चलेगा। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो योजनाएं जो समाज के अंतिम व्यक्ति को लंबावित करने की योजना है, वो योजना सरकार की ओर से तो चलती है, लेकिन जमीन तक जो है वो जितनी योजनाएं आती है उतनी योजनाओं में से 15-20% ही पहुंच पाता है। 80% जो योजनाओं का जो राशि है वो बीच में बंदरबांट हो जाता है, बिचौलियागिरी हो जाता है, भ्रष्टाचारी का भेंट चढ़ जाता है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं समाज के हर एक अंतिम व्यक्ति से कि आप आइए और सब लोग मिलकर ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए और अपने हक और अधिकार की आवाज़ बुलंद करने के लिए सब लोग एक मत होकर के जिस दिन आप लोग आएंगे, उस दिन निश्चित तौर पर हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश सशक्त होगा, सुंदर होगा, मजबूत होगा, और आने वाले निकट भविष्य में हम यह कह सकते हैं कि हमारा देश विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित देश की श्रेणी में खड़ा रहेगा। चलिए, ये थे मीर रिजवान जी, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव भी है और हमेशा समाज सभी में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर जो है ग्रामीण आए हुए हैं, और इनका एक ही समस्या है कि डीलर के द्वारा मनमानी किया जाता है। जहाँ पर 1 यूनिट पे 5 किलो दिया जाता है, वहाँ पर 1 किलो डायरेक्ट काट लिया जाता है और 4 किलो दिया जाता है, और उसके बावजूद भी उससे पैसा वसूला जाता है। क्या आंटी, क्या दिक्कत है? 4 आदमी पे 1 किलो काटे कैसे किया काटे की कैसे नहीं लगा तो लाइन पर जाए डायरेक्ट बोलते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर जो लाभुक आए हुए हैं, और डीलर के खिलाफ जो है आवेदन भी दिया गया है।